एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योर सेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस मीशो विंटर वेयर हॉल। स्पेशली आज के इस विंटर वेयर सीरीज पे हम बात करने वाले हैं कार्डिगन्स का। मीशो से मैंने कार्डिगन्स ली है जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सारे के सारे कार्डिगन्स अंडर 600 रुपीज हैं गाइस। आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस सारे कार्डिगन्स का लिंक कोड जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विथ प्राइस, एंड आल्सो प्राइस आपको स्क्रीन पे शो होगी। सो बात कर लेते हैं इस हॉल के पहले कार्डिगन से जो कि दिखता है कुछ इस टाइप से। यू गाइस कैन सी दिस। और ये मल्टी कलर का कार्डिगन्स है, लाइक इसमें रेड ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिल जाएगा जो कि थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक देगा आपको। ऑफकोर्स सॉलिड कलर के कार्डिगन्स पहने हुए आपको हर कोई दिख जाएगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। सो ये कुछ इस टाइप से ऑल ओवर कार्डिगन आपको सेम 3 कलर में देखने पे मिलेगा। एंड फ्रंट बटन ओपन डिटेलिंग, लाइक फ्रंट में आपको बटन्स दिए हैं जिसके थ्रू ये ओपन होता है। फुल लेंथ स्लीव है आपको। स्लीव मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग स्लीव बड़ी थी, ऑनेस्टली आई एम सेइंग। तो एंड थोड़ा लूज था तो स्लीव की फिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। एंड ये कॉलर डिटेलिंग वाला कार्डिगन्स है जिसमें आपको डबल लेयर का कॉलर पैटर्न देखने को मिलेगा। लाइक आप देख सकते हैं डबल लेयर में कॉलर है। सो लुक इसका कुछ इस टाइप से आता है एज वेल एज आप ट्राई ऑन पे देख ही रहे होंगे। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी वार्मनेस क्वालिटी की, जो कि विंटर वेयर में मेन पॉइंट होता है कि कितना वार्म रखेगा आपको। वार्म क्वालिटी की मैं बात करूं तो ये काफ़ी अच्छे से आपको वार्म रखेगा क्योंकि इसमें बहुत थिक वूलन मटेरियल का यूज़ किया गया है। एंड नॉर्मल किसी भी प्लेस में आप रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो आपको लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी। डेफिनेटली यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस। एंड इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल कार्डिगन लेंथ से थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे, लाइक इसकी मीडियम लेंथ ना होकर के थोड़ी सी लॉन्ग है। डेफिनेटली नी लेंथ वाला कार्डिगन नहीं है ये, बट हाँ आपके कमर से थोड़ा नीचे जाता है ये। सो कुछ इस टाइप से पैटर्न है, नीचे भी इसका पैटर्न, लाइक इसके हेम पे आप देख सकते हैं क्रिस क्रॉस काइंड ऑफ पैटर्न है। ओवरऑल क्वालिटी एंड लुक वाइज मुझे ये कार्डिगन्स अच्छा लगा। बस एक ही कंप्लेन है कि स्लीव थोड़ा सा ढीला है। एंड हाँ, इसमें आपको एक ही साइड पॉकेट डिटेलिंग देखने को मिलती है, ना अदर साइड आपको पॉकेट नहीं मिलता। सो ये भी लिटिल बिट कंप्लेन है मेरा इसके साथ। नेक्स्ट कार्डिगन की मैं बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में है। यू गाइस कैन सी दिस, कितना प्यारा पिंक कलर है ना इसका। सो ये मैंने ब्यूटीफुल सा सॉलिड पिंक कलर का कार्डिगन्स लिया है। एंड इसका लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्लोजली आप देखिए, इसमें एक सेल्फ डिज़ाइन काइंड ऑफ है, लाइक इसमें जो नीट का पैटर्न है, डेफिनेटली मशीन नीटेड है बट इसके नीटिंग का पैटर्न मुझे अच्छा लगा। फुल स्लीव है आपको, और स्लीव की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी लगी मुझे, वो पहले वाले कार्डिगन से भी ज़्यादा लंबी स्लीव है तो मुझे बार बार इसको ऐसे खींचना पड़ता है। सो एक ये कंप्लेन डेफिनेटली है इस कार्डिगन्स के साथ। लेंथ इसकी अगेन, ये भी लॉन्ग लेंथ ही कार्डिगन्स है, नी लेंथ तक की नहीं है बट लॉन्ग है। फ्रंट बटन ओपन डिटेलिंग है आप देख सकते हैं। बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चीप वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड कॉलर वाला ये कार्डिगन्स है आपको, अगेन डबल लेयर का कॉलर देखने को मिलता है। ओवरऑल इस कार्डिगन की लुक की मैं बात करूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई रियली लाइक दिस पॉपिंग पिंक कलर। इफ़ यू वॉन्ट सेटल कलर इसमें तो आल्सो अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी वार्मनेस क्वालिटी की, कितना ज़्यादा वार्म रखेगा। तो ये भी सेम ये वाले कार्डिगन्स की तरह है, लाइक ये भी आपको वार्म रखेगा तो आपको काफ़ी वार्म एंड काफ़ी कोजी रखने वाला है ये। एंड अगेन इसमें भी आपको वन साइड पॉकेट देखने को मिलेगा। एंड पॉकेट की साइज इतनी ज़्यादा छोटू है ना कि हाथ अंदर जाता ही नहीं है, तो मुझे ये फंक्शनल भी नहीं लगा। तो पॉकेट एंड स्लीव पसंद नहीं आया, जो कि लिटिल बिट ही कंप्लेन है मेरी। बाकी ये कार्डिगन्स क्वालिटी वाइज अच्छी है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस आल्सो। नेक्स्ट जो मैंने कार्डिगन्स लिया है, लाइक मेरे वार्डरोब में हाफ स्लीव वाले कार्डिगन्स नहीं है, जितने भी कार्डिगन्स हैं सारे फुल स्लीव वाले हैं। सो जब स्टार्टिंग का विंटर होता है, लास्ट का विंटर जब विंटर जाने वाला होता है तो हल्की फुल्की ठंड पड़ती है शाम में, तो उस टाइप वियर करने के लिए मुझे ये स्लीवलेस वाला पैटर्न, स्लीवलेस कार्डिगन बहुत ज़्यादा पसंद आया मीशो पे। सो कुछ वैसा ही मैंने ये परचेस किया है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा ऑरेंजेस काइंड ऑफ टोन पे लिया था, कैटलॉग यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, बट आया ये डिफरेंट कलर में है। ये कंप्लेन हमेशा मीशो से रहेगी, ये कभी नहीं सुधर सकते, बट आई लाइक दिस। एक्चुअली मुझे ऑरेंज वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब यही कलर,
बट हाँ, जो मंगाओ वो मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस कार्डिगन्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ब्राउन एंड मेहरून के टोन पे कार्डिगन्स देखने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स हाफ स्लीव का कार्डिगन्स है एंड मॉडरेट काइंड ऑफ कॉलर डिटेलिंग मिल जाएगी आपको, लाइक लिटिल बिट स्टैंड कॉलर जो भी इसका पैटर्न बोलते हैं। फ्रंट बटन ओपन डिटेलिंग है एंड बटन की क्वालिटी अमेजिंग है, कोई भी कंप्लेन नहीं है मुझे इससे। एंड कुछ स्टेप्स इसका पैटर्न है, स्पेशली मुझे ये वाला पैटर्न जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैरून एंड ब्राउन का टोन आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। एंड बैक साइड भी ये प्लेन नहीं है, सेम ही है जैसा फ्रंट से दिखता है वैसा ही बैक से दिखता है। एंड इसका जो मटेरियल है ना इतना कोजी है, इतना कम्फी है, लाइक बहुत सॉफ्ट वूलन मटेरियल का यूज़ किया गया है इसमें। एंड एक बात मैंने नोटिस की कि सारे के सारे कार्डिगन्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मुझे मिल गए हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ अफोर्डेबल रेट पर लेते, स्पेशली स्वेटर वगैरह ना, तो वो चुभते हैं। बट मीशो के स्वेटर मुझे अभी तक एक भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई भी स्वेटर चुभ रहा हो। और इस कार्डिगन्स की क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक जितनी भी मैंने आपको सूखी है उनसे सबसे अच्छा सॉफ्ट मटेरियल इसके लिए यूज़ किया गया है। एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लाइक जितनी लेंथ की कार्डिगन्स मुझे पसंद है उतनी इसकी लेंथ आ जाती है, परफेक्ट लेंथ की कार्डिगन्स है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितना ज़्यादा वार्म रखता है आपको, तो आपको बहुत ज्यादा वार्म नहीं रखेगा। आपको हाफ स्लीव है एज वेल एज इसका जो वूलन मटेरियल है ना वो थिन वूलन मटेरियल है, लाइक बहुत बल्कि सा वूलन मटेरियल नहीं है। तो लेयर ऑफ करके आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको भारी विंटर में यूज़ करना है, और हल्के फुल्के ठंड के लिए तो आप इसको सिंगल ही वेयर कर सकते हैं। साइज मैंने सारे के सारे कार्डिगन्स में एम लिया है। नेचो कार्डिगन है इस हॉल का मेरा फेवरेट कार्डिगन में से है। जब मैं इसको ले रही थी तब मेरा फेवरेट नहीं था, मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, बट जब ये आया है तब से ये मेरा फेवरेट बन गया है। मैं बताती हूँ क्यों। तो फर्स्टली आप कार्डिगन देखिए कुछ इस टाइप से, ये सॉलिड मेहरून कलर का मैंने कार्डिगन्स लिया है और ये कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें भी बहुत ही सुंदर सेल्फ डिज़ाइन की गई है, मशीन नीटेड कार्डिगन है। इसके जो बस्ट एरिया पे नीटिंग की गई है ना वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। ये बटन डिटेलिंग वाला कार्डिगन है, डेफिनेटली बटन से ओपन होता है ये। बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चीप बटन यूज़ नहीं किए गए हैं। स्लीव की लेंथ परफेक्ट है, लाइक अभी तक में ये जो स्लीव की लेंथ है ना वो मुझे परफेक्ट आई है, ना ढीली ना लंबी ना चौड़ी, एकदम परफेक्ट स्लीव लेंथ आपको देखने को मिल जाए। एज वेल एज कार्डिगन की लेंथ भी परफेक्ट है, जितनी लेंथ की मुझे कार्डिगन्स पसंद है उतनी ही इसकी लेंथ है, ना बहुत लॉन्ग ना बहुत शॉर्ट्स। एंड बैक साइड से ये प्लेन है। सो कुछ इस टाइप से ये कार्डिगन है और ये आपको कुछ इस टाइप से नेक की डिटेलिंग देखने को मिलेगी, लाइक ये कॉलर वाला नेक इसमें नहीं है। बहुत सारे लोग जो साड़ियाँ वेयर करते हैं ना उनको उतना ज़्यादा कॉलर नेक वाला कार्डिगन पसंद नहीं है, तो आप ये वाले कार्डिगन्स की तरफ जा सकते हैं। इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैंने ये मेहरूनिश काइंड ऑफ टोन पे लिया है और ये कलर ना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक मेरे कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा था, सो दैट्स वे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझ पर, एज वेल एज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, लाइक इसका जो वूलन मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी सॉफ्ट वूलन मटेरियल यूज़ किया गया है। आप विंटर में जरा भी इरिटेट या फिर आपको ईचिंग नहीं होने वाली है इसको वेयर करके। ये जो कार्डिगन्स है ना वो लुक वाइज, फिटिंग वाइज एज वेल एज क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है, आप इसमें जा सकते हैं। कलर ऑप्शन आल्सो अवेलेबल है इसमें, यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट जो कार्डिगन मैं आपको शो करने वाली हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये जो कार्डिगन है वो इस हॉल का फेवरेट कार्डिगन होगा जब मैं इसको परचेस कर रही थी, क्योंकि मुझे इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। बट आगे की कहानी सुनने से पहले कार्डिगन्स देख लीजिए। तो कुछ इस टाइप से ये कार्डिगन है, ये देखिए इसका लुक कितना तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। ऑफकोर्स कैमरे पे अच्छा लग रहा होगा, उतना ही ज़्यादा ये कैटलॉग भी देखने पे मुझे अच्छा लग रहा था। बट जब ये आ गया है मेरे हाथों में है, तो मैं इसकी क्वालिटी की मैं बात कर लेती हूँ। फर्स्टली हम इसके लुक की बात करेंगे, तो लुक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, लाइक इसमें जो डिटेलिंग की गई है, जो फ्रिंट किया गया है वो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। लुक इसका बहुत सुंदर है, डेफिनेटली फुल स्लीव है, स्लीव थोड़ा सा ढीला ढाला है। फ्रंट में जीप ओपनिंग डिटेलिंग है इसकी, कॉलर पैटर्न है इसका। एंड जब ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था ना, तो मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो मैंने बोला ओ माई गॉड, ये कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा ओवर साइज है। बट जब मैंने इसको वियर किया तो मुझे लगा ये इतना भी ज़्यादा ओवर साइज नहीं है, लाइक ठीक ठाक है, थोड़ा ढीला तो डेफिनेटली है बट ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर साइज नहीं है। बट क्वालिटी
क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपको बहुत ज़्यादा वार्म नहीं करेगा। हल्की फुल्की विंटर है, लाइक अभी स्टार्टिंग विंटर है तो आप इसको वेयर कर सकते हैं सुबह शाम जब ठंडी स्टार्ट होती है, बट ये आपको हैवी विंटर से नहीं बचाएगा क्योंकि इसमें ना वूलन काइंड ऑफ मटेरियल नहीं यूज़ किया गया, थोड़ा सा कॉटन वूलन क्या मटेरियल है बट वार्म नहीं करता ये इतना ज़्यादा। लेयर ऑफ करके आप वेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। सो क्वालिटी, वार्म करने की क्वालिटी इसमें कम है, लुक अच्छा लगा डेफिनेटली पहनने के बाद, आया था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। इस कार्डिगन का मेन एडवांटेज ये है कि आपको, आप इसको ना इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों में स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि कुछ इसका लुक उस टाइप से आता है। सो ये एडवांटेज डेफिनेटली मुझे लगा इसका। सो ये तो हो गए 5 कार्डिगन्स जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, एज वेल एज एक और कार्डिगन्स मैंने मीशो से ऑर्डर किया था जो कि नी लेंथ तक का कार्डिगन्स था। मैं सोच रही थी एक आध नी लेंथ तक का वैरायटी भी रख लेती हूँ, बट मीशो की जो आदत है वो उससे कभी भी बाज नहीं आ सकते, मीशो हमेशा फ्रॉड करता है और वही हुआ मेरे साथ। वो पार्सल जैसे ही मैंने ओपन किया उसमें भरे पड़े थे रद्दी गंदे स्मैली कपड़े, इतना मुझे मुझे इतना ज़्यादा उससे घिन लगा कि मैंने उसको अपने पास भी नहीं रखा है आप लोगों को शो करने के लिए कि मुझे क्या मिला है। लाइक इतने ज़्यादा रद्दी कपड़े उसमें, पता नहीं क्या क्या यूज़ किए हुए कपड़े भरे थे कि मैंने उसको बस एक नज़र देखा एंड मैंने थ्रू कर दिया। मेरे साथ ऐसा 4th या 5th बार हो चुका है। सेलर नेम आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि किस सेलर ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं सेलर का नेम डिस्क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोग उस सेलर से बिल्कुल भी परचेस ना करें। और ये जो रद्दी गार्बेज आइटम आपको रिसीव होते हैं, मीशो की इतनी घटिया पॉलिसी है कि वो आपसे रिटर्न भी इसको नहीं लेते हैं, आपके पैसे बेस्ट चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। सो ये बात है कि मीशो की एक अगली साइड है जो कि बहुत कम इन्फ्लुएंसर आपको बताएंगे। सो बहुत सोच समझ के आप मीशो से शॉपिंग करिए, अच्छे से रिव्यू वगैरह देख लीजिए। मैं तो कितना कुछ देखती हूँ पर हमेशा फंस ही जाती हूँ। एंड लास्ट ईयर पे भी मैंने मीशो के विंटर वेयर हॉल कर रखे हैं, स्पेशली कार्डिगन्स हॉल किया है मैंने और सारे के सारे कार्डिगन्स मैंने देखा तो अभी इस सीज़न में भी वो अवेलेबल है। पिछले ईयर पे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्डिगन्स का रिव्यू किया था तो आप वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइस मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक योर सेल्फ एंड आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फैशन एंड हॉल वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हैंडल आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वन के साथ। टिल देन टेक योर सेल्फ, खुद से खुद का ध्यान रखिए, खुद से खुद को ग्रूम करिए एंड बाय।